अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले महीनों में जब कोरोना का पीक था और क्वारंटीन में थे सब, तब मैंने 3 वीडियोस अपलोड की थी और उनमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि यार ये वाली बाइक चलाओ या इस ट्रैक में जाओ तो 299 टच हो सकता है। तो आज की वीडियो उसी पे है। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ूंगा और उसमें जो राइड रिक्वेस्ट होगी वो पूरा करने की कोशिश करूंगा। भाई प्लीज़ कंटिन्यू SBK सीरीज़। देखो नितिन भाई, आपने बोला हम सीरीज़ लेके हाजिर हैं। प्रीतम भाई, आपकी कमेंट्स में टाइपोस बहुत ज़्यादा हैं, बट आपका भाई आपकी भावना समझ चुका है। थैंक यू सो मच एंड द वीडियो इज़ हेयर। थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन उसामा उमर। वीडियो इज़ हेयर। प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड का मैं जो है वो गेम प्ले इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि वो मेरे फ़ोन में सही से चलती नहीं है और PC में मुझे खेलनी नहीं है वो। ट्राई BMW, आई गॉट 297 ऑन दिस स्ट्रेच। तो चलो ट्राई करते हैं। जिस वीडियो में आपने कमेंट किया था उस वीडियो में सीपैंग मैप पे मैं रेस कर रहा था, तो मैप सीपैंग और बाइक सेलेक्ट कर लिए। पहले की तरह कहूँगा कि बहुत ही प्यारा सा डॉली शॉट, बट वी आर नॉट हेयर फॉर डॉलीज। हम यहाँ पे 299 टच करना है, तो स्टार्ट करते हैं। और मुझे अच्छा, ये BMW जो बाइक है ये सेकेंड जनरेशन है, सो इट्स अ गुड थिंग मैंने आज नोटिस किया। अगर किसी को पता है कि फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन एस्थेटिकली जो है उनमें क्या फ़र्क है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मुझे तो पता है, तभी मैं देख के पहचान गया कि ये सेकंड जनरेशन है। तो एनीवेज अब देखते हैं कि हिट करती है कि नहीं करती। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी बाइक इस गेम में 299 टच कर सकती है, बट देख लेते हैं। ओके 275, गुड। 283 287, अबे सॉरी भाई, मेरा कोई आपसे फड्डा नहीं था, पर्सनल कोई ग्रज नहीं था, आप गिर गए क्योंकि मैं वो टेस्ट कर रहा था कि स्पीड क्या होती है ना बाइक की। तो खैर सॉरी, मगर आप वापसी बाइक पे आ गए तो ठीक ही हो गए। अब रॉन्ग जाते हैं, मतलब रॉन्ग पे भी चेक कर लेते हैं, क्या पता यार ये तो गिर रहा है बार बार, अजीब आदमी है। हाँ तो मैं कह रहा था कि अपन रॉन्ग चलते हैं और देखते हैं, क्या पता हिट हो जाए। वैसे मुझे लगता तो नहीं है। और मुझे एक और बात कहनी है कि अगर इतना ही स्ट्रेच असली में होना तो आई थिंक कोई भी बाइक 299 लीटर क्लास आराम से हिट कर देगी, बट ये गेम में पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही। तो वापसी में भी 287 की स्पीड थी, तो यहाँ इस मैप के अंदर BMW नहीं हिट कर पा रही 299। खैर अब चलते हैं दूसरी राइड रिक्वेस्ट के ऊपर। अच्छा बट उससे पहले लोग जो है वो वहाँ से आ रहे हैं, तो हम उनसे थोड़ा सा मिल लेते हैं। और बाइकर्स आ रहे हैं, पूछ लेते हैं क्या हाल है, कैसा था ट्रैक, रिपोर्ट दो भाई रिपोर्ट दो। ओ तेरी खैर, 275 की स्पीड पे एक्सीडेंट हुआ। मैं देख नहीं पाया कौन सी बाइक थी, बट आई थिंक कावासाकी ZX10R थी। खैर व्हीली मारते चलते हैं। और अपने आगे है R1 और एक ZX10R, एक और R1 निकली और ये पीछे अपनी एक और S1000RR। ये किसने मारी मेरे को पीछे से टक्कर? एप्रिलिया, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर एप्रिलिया, पीछे से आके मार रहे हो। अब चलते हैं दूसरी राइड रिक्वेस्ट के ऊपर। ट्राई इन इमोला जो भी, चलो इसमें भी एक जो है वो स्ट्रेच ट्राई, क्या पता इस ट्रैक के अंदर हमारे 299 टच हो जाए, यू नेवर नो। तो बाइक उठा लेते हैं एप्रिलिया। ओके तो ये रहा लमोला इमोला जो भी। अच्छा इसके अंदर तो कोई भी स्ट्रेच ही नहीं है, तो क्या करें, चलो एक दफ़ा, क्योंकि राइड रिक्वेस्ट है तो एक दफ़ा यहाँ पर एक लैप ट्राई कर लेते हैं। मैंने इस ट्रैक के लिए अप्रिलिया चूज़ की है क्योंकि इस पूरी गेम में आई विश के सुजुकी की बाइक्स होती और एक निंजा H2 होती, बट अप्रिलिया की RS ठुक गया यार, कावासाकी यार, वापस कावासाकी वाले भाई ने जो है ना मतलब मेरे को पीछे छोड़ा है। खैर हाँ तो मैं कह रहा था कि इस पूरी गेम के अंदर जो मुझे बाइक सिमिलर टू H2 लगती है पीछे से फॉर सम रीज़न, वो एप्रिलिया RS V4 ही है। तो हम यही चलाएंगे और देखेंगे कि क्या पोजीशन आती है हमारी पहले लैप में। अगर मैं 2 लैप करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी और इस ट्रैक के अंदर तो स्ट्रेच भी नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ 1 ही लैप करूँगा। ओके हम घुस चुके हैं झुंड के अंदर, यामाहा वाले भाई पीछे, टेनार वाले भाई भी पीछे, आगे एक और टेनार दिख रही है और 2 डुकटी से शायद यार R1 निकल गई, ZX10R भी निकल गई। अच्छा वैसे अगर आप बाइकिंग कल्चर में हैं तो आपने कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि स्ट्रेट रोड्स आर फॉर फास्ट बाइक्स एंड कर्व रोड्स आर फॉर फास्ट राइडर्स। बहुत सही बात है। 90% ऑफ द टाइम्स जब कभी भी आप किसी प्लेयर को पीछे छोड़ते हो ना इस गेम में, तो वो इस गेम में या फिर इन जनरल रेसिंग में, तो वो
जो है वो ड्यूरिंग कॉर्नर ही होता है, क्योंकि स्ट्रेट रोड में तो सारी बाइक जो है ना चैम्पियन होती हैं। और ये BMW वाले भाई का रास्ता बहुत गंदी तरह मैंने रोका, बट खैर हो गई यार, मेरा टीममेट जा रहा है आगे, चला गया पीछे। और मेरी पोजीशन क्या है, पोजीशन कहाँ है, अच्छा मेरी 10th पोजीशन है आउट ऑफ आई थिंक 24। इस कॉर्नर में R1 को पीछे करने की कोशिश, और चले जा पीछे, बाय बाय R1, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। अबे वापस आ गया तू, नहीं मैं नहीं आने दे रहा, आगे पीछे जा। ये दोनों कौन सी बाइक्स हैं, शायद एक डुगाटी है। अरे यार मैं बाइकों को देखने के चक्कर में मिस कर दिया, और मेरी पोजीशन 9th आई यार, अच्छी खासी 7th थी। खैर अब चलते हैं दूसरी राइड रिक्वेस्ट की तरफ। तो फैल अहमद भाई कह रहे हैं फ्लिप आइलैंड में अप्रीला चलाओ, मेरी स्पीड 298 थी। ओके तो चला लेते हैं फ्लिप आइलैंड में अप्रीलिया, सेलेक्ट कर लेते हैं, और क्या पता मेरी भी हो जाए 298। वैसे मुझे, मैंने जितनी ये गेम खेली है ना, मैंने बहुत ज़्यादा ये वाली गेम खेली है, वीडियोस तो मैंने बाद में बनाना शुरू की हैं, जितनी मैंने खेली है ना, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि इस गेम में कोई भी ऐसी बाइक नहीं है, कोई भी ऐसा मैप नहीं है जहाँ पर 299 या 298 भी टच हो जाए। ये वाला स्ट्रेच वैसे अच्छा है, जब आप गेम खेल रहे होते हो ना, तो एक बड़े प्यारे से कॉर्नर के बाद ये स्ट्रेच आता है, तो खेलने में बड़ा मज़ा आता है। खैर वी आर ऑन द ट्रैक, और अब देखते हैं क्या स्पीड होती है। 25% जो है ट्रैक कंप्लीट हुआ है, और बाइक की स्पीड 220 प्लस है, तो प्रैक्टिकली रियल लाइफ में बिफोर द मिड ऑफ द ट्रैक स्ट्रेच 299 हिट हो जाना चाहिए, बट नहीं हो रहा है, तो गेम में कोई मसला है। और स्पीड थी 289, तो 299 से 10 किलोमीटर कम, मुझे पता है नहीं होगी हिट, बट फिर भी वीडियो तो निकल आई एक। वापसी में तो 282 की स्पीड पे ही बाइक की बस हो गई। तो ये था इस मैप का सीन, अब चलते हैं दूसरी राइड रिक्वेस्ट की तरफ। लूसीफर भैया हैं कोई हमारे, वो कह रहे हैं ट्राई इट इन सेपेंग सर्किट और चांग सर्किट, दे आर प्रिटी लॉन्ग। लूसीफर भैया दे आर प्रिटी लॉन्ग, आई एग्री, बट दे आर नॉट लॉन्ग इनफ, तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पर रेस करने का। आई एग्री 100% विद दानिश सावंत भाई के लोसैल का जो स्ट्रेच है सबसे बड़ा है, और डेवलपर्स को शायद असली पावर पता ही नहीं है कि SBK की बाइक्स की क्या असली पावर है, बट एनीवेज ट्राई करते हैं एक लोसैल के अंदर स्ट्रेच। राइट सो मुझे याद आ रहा है ये वाला ट्रैक मैंने रात के टाइम पे 10 hour पे करा है, तो आई डोंट हैव हाई एक्सपेक्टेशंस, बट फिर भी चेक कर लेते हैं। बाय दिस टाइम बाइक 260 समथिंग पे थी, और मुझे लगता है रियल लाइफ में 299 आराम से हिट हो जाता है इतने स्ट्रेच के अंदर। टर्न्स आउट कि यही हकीकत है, 299 टच नहीं होती। रफ़ी गेमिंग भाई कह रहे हैं कि गो स्टे एट होम, क्या करें रफ़ी भाई, एहतियात तो हमें ही करनी पड़ेगी, कोरोना का टाइम चल रहा है ना, तो आई थिंक स्टे होम, स्टे सब्सक्राइब्ड एंड स्टे सेफ। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में।